भवानेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा जीवनेन धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर राधा रासेश्वरी रास वासनी रसिकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूप सर्वांसा रसिकानां च राधा ही कृष्ण की मूर्ति है। लेकिन एक बात, राधा को कृष्ण मिले जरूर नहीं, लेकिन दूर भी तो नहीं हुए। मिले नहीं परंतु दूर नहीं हुए। आज भी हम लोग रुक्मणी श्याम नहीं कहते, राधे श्याम कहते। क्या कहते हैं? भगवान का विवाह किसके साथ हुआ जरा बताओ ना, रुक्मणी जी के। तो बोलना क्या चाहिए? रुक्मणी श्याम। लेकिन बोलते क्या है बोलो ना, क्या बोलते हैं? अब आजकल का कोई जमाने की घरवाली होती वो अभी तक कोर्ट में मुकदमा कर देती, महाराज पहले रुको, भावर मेरी पड़ी और नाम किसी दूसरी का चले, ऐसा हो सकता है क्या? असंभव है, प्रधन है राधा। राधा तत्सुख सुखित्वम, तत्सुख सुखित्वम। महाराज जी सूत्र बड़ा प्यारा, तत्सुख सुखित्वम, जिसमें मेरे प्रियतम को आनंद हो वही प्रेमी को करना चाहिए। भरत जी कहते हैं रघुनाथ जी से, राम जी ने कहा भरत जी तुम कहो तो मैं चल पड़ता हूं तुम्हारे साथ। रघुनाथ जी ने कहा अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो तो मैं चल पड़ूं तुम्हारे साथ, तुम्हें जिसमें सुख मिले पर तुम रो मत, हमें तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा। राम जी की यह बात सुनकर के भरत जी की आंखें भर गई और चरणों की तरफ देख करके भरत जी कहते हैं राम प्रभु नाथ मैं अपने सुख के लिए तुम्हें अयोध्या ले जाऊं, मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं होगा। फिर प्रेम नहीं अधिकार हो गया, और प्रेम में कोई अधिकार नहीं है, प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम में कोई बंधन नहीं, इसलिए भक्त किसी के बंधन में नहीं होता, भक्त के बंधन में भगवान होते। भक्त किसी के बंधन में नहीं है पर भक्त के बंधन में भगवान है। आप पढ़िए ना, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण, भगत के बस में भगवान, भगत बस में। तो भगवान भक्त के बस में है, भक्त किसी के बस में नहीं। भगवान कहते भी अहम भक्त पराधीनो ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये नचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्ठामि नारदा। भगवान कहते यहां मेरे भक्त गाते मैं वहां पहुंच जाता हूं, इसलिए तो हम तुमसे कहते कथा में आया करो। क्यों? क्योंकि यहां जब लाखों भक्त आते हैं ना तो कोई भगवान का बड़ा प्यारा भक्त भी आता है, और जब वो प्यारा भक्त आता है तो वो नाचता है तो ठाकुर को बुलाता है, बुलाता है तो गोविंद दौड़ा चला आता है, और इसी बहाने कथा में गोविंद का दर्शन हो जाता है। अब किस रूप में हो वो बात अलग, वो भक्त की पहचान की बात है, लेकिन भगवान आता है ये तय। तो प्रेम में स्वतंत्रता है। भारत जी कहते हैं सरकार अगर हम अपने सुख के लिए आपको ले भी जाए ना
तो दुख होगा। अब एक काम करो, आपको जिसमें सुख मिले आप वो करो, लेकिन हमें कुछ पहचान दे दो ताकि हम उनके सहारे जी सके। भगवान ने फिर पावड़ी दी भरत जी को, इनको हमारा ही मानना। प्रभु कैरी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश कर। भरत जी राम जी के रूप में भगवान की पादुका ले गए। इधर राधा, जब भगवान जाने लगे तो राधा जी और श्री ठाकुर जी यमुना के पुलिन पर खड़े हैं, कलकल किलनोद करती हुई यमुना जी बह रही। राधा जी के साथ में अष्ट जो सखियां थी वो आज पीछे खड़ी हो गई, ललिता विशाखा पीछे हो गई। ठाकुर जी खड़े हैं, श्री राधा जी खड़ी। रोज तो बात होती थी, रोज अटकेलियां होती थी, रोज भगवान एक दूसरे को चिढ़ाते थे, एक दूसरे की सुंदरता के वर्णन कर देते, एक दूसरे की महिमा का गायन करते। अरे राधे, श्री राधे जू, आप तो बड़ी अद्भुत हो, लेकिन आज जब भगवान जा रहे हैं 100 वर्ष के वियोग के लिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खड़े हैं भगवान, श्री प्रियाजू खड़ी है, भगवान आंखों ही आंखों में देख रहे। प्रियाजू भी भगवान की तरफ कुछ देर तो देखी ही नहीं, नीचे नजर है। श्री प्रियाजू ने धीरे से नजर उठाई, आंखों ही आंखों में आज बात हो रही, और आंखों ही आंखों में आंसू भर करके मानो बिंदु कह रहा हो आंसू का, आप जा रहे हो ठाकुर, आप जा रहे हो। भगवान ने ही आंखों ही आंखों में कहा, हाँ ठाकुरानी कहती है अब तो आपके बड़े ठाटवाट हो जाएंगे, रानियां होंगी, विवाह होंगे, आप द्वारका के राजा बनोगे, हमारी जैसी ग्वालिनिया गांव की गवारी भला आपको कब याद आएगी, आपके पीछे तो बड़ी फौज हो जाएगी, ये ब्रज का आनंद, ये ब्रज की गलियां, ये यमुना का किनारा, ये कदम्ब का वृक्ष, ये हमारी अष्ट सखियां, ये आपकी बावरी, ये आपकी प्रिया, कभी याद आएगी आपको हमारी। भगवान आंखों ही आंखों से कहते प्रियाजू आप सदा याद रहोगे, भला आप भूल नहीं पाओगे। प्रियाजू कहती है क्षमा करना, प्रेम आपने हमसे किया, लेकिन आप अब ना सबके हो। ठाकुर जी कहते प्रियाजू दुनिया कितने भी मुझसे जुड़ जाए पर तुमको कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, और उसी बात को पूर्ण करने के लिए आज भी कोई राधा और कृष्ण को अलग नहीं कर पाया, आज भी राधे श्याम ही है। हो भी नहीं सकते, कृष्ण तत्व राधा तत्व प्रायः एक ही है, कृष्ण तत्व और राधा तत्व में कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार एक तरफ श्री राधिका जू और एक तरफ मीरा को अगर रखा जाए, दोनों की अगर वैसे तो प्रेम में कोई अंतर करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम फिर भी कथा की विषय वस्तु से आप अगर दृष्टि रखो मति रखो, हमारा मानना है एक तरफ राधा हो एक तरफ मीरा हो, तो राधा द्वापर में हुई है, मीरा कलयुग में हुई है, लेकिन द्वापर में रहते हुए भी राधा कृष्ण के रहते हुए वियोग पाई, मीरा ने वियोग भी पाया है, लेकिन हर पल ये भी मीरा को आभास था कि मेरा गोविंद मुझे देख रहा है।